Suppose xn n is greater than equal to 1 is a sequence of independent and identically distributed random variables each following uniform distribution, which of the following is not true? And these are the option. हमें जो uniform distribution दिया हुआ है ना, जिसकी range कहाँ से है, 2 से लेके तो 6 तक, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 is less than x is less than 6. तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है ना, इस x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x of 1, x of 2, up to x of n के लिए. तो x of 1 शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, और एंडिंग कहाँ से हो रही है, 6 हो रहा है. तो x of n is equal to 6 and x of 1 is equal to 2. अब जो शुरुआत आपकी x of 1 से हो रही है और एंडिंग x of n से हो रही है. ऐसा हमने किस बेस पे कहा, हमने ऐसा लिखा है ना कि 2 is less than x is less than 6, और ये इसके बेस पे लिखा गया है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 2 6. अब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि एक्सन कन्वर्स करता है 6 को इन प्रोबेबिलिटी में. तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि आप 1 से लेके तो 6 तक चलते गए, तो आपके एक्शन कन्वर्ज कहाँ होने वाली है, 6 में कन्वर्ज होने वाली है इन प्रोबेबिलिटी में. हेंस ऑप्शन नंबर ए भी आपका ट्रू है. ऑप्शन नंबर बी, आपका लोअर लिमिट क्या है, 2 है, तो x1 कन्वर्ज करेगा 2 में. ऑप्शन नंबर सी है कि xn कन्वर्जेस इन लॉ टू एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमने क्वेश्चन में तो कहा है कि हमारा जो xn है ये कन्वर्ज हो रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में. अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन हमें दी हुई है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, नहीं. इसका मतलब क्या कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ट्रू कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी. अब हम ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर डी है कि mn converges in probability to 4 where mn is the median of x1 x2 xn. हमने क्या लिखा है कि xn is a sequence of independent and identically distributed random variable each following uniform distribution. तो uniform distribution का अगर median निकालना है तो उसका formula क्या है, a plus b upon 2, a कितना हमारे पास में 2 और b 6, तो 6 plus 2 upon 2 is equal to 8 by 2 is equal to क्या मिला आपको, 4. तो question में क्या कहा है कि अगर ये uniform distribution को follows करता है तो mn कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी में 2 4 को, तो ये भी ऑप्शन आपका ट्रू है. तो जब क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका नॉट ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी.